एक कप खोआ, खोआ में पानी डालकर साफ करेंगे। खोआ को हमने पानी से धो लिया है। खोआ का सारा पानी निकल गया है। दो चम्मच सरसों का तेल है जो गर्म हो चुका है। एक चौथाई टीस्पून सरसों, एक चौथाई टीस्पून जीरा, एक चम्मच करी पत्ता, दो बारीक हरी मिर्च, एक बारीक प्याज कटा हुआ। प्याज को दो मिनट तक फ्राई करेंगे। प्याज को दो मिनट तक फ्राई कर लिए हैं। एक चौथाई कप मूंगफली, मूंगफली को एक मिनट तक प्याज के साथ फ्राई किए हैं। एक चौथाई कप मटर को एक मिनट तक फ्राई किए हैं। बॉयल आलू छोटे टुकड़े में कटा हुआ, दो, नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिक्स करेंगे। इन सारे सामग्री को फ्राई करेंगे। इन सारे सामग्री को पांच मिनट तक फ्राई कर लिए हैं लो फ्लेम में। खोआ डालेंगे, मिक्स करेंगे। इन सारे सामग्री को लो फ्लेम में फ्राई करेंगे। इन सारे सामग्री को लो फ्लेम में फ्राई कर लिए हैं। तीन मिनट तक एक चौथाई कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स कर लिए हैं। गैस को ऑफ करेंगे। फोहा रेडी हो गया है। फोहा को प्लेट में रखेंगे। फोहा का चटपटी नाश्ता रेडी हो गया है। फोहा में थोड़ा सीर डालेंगे। फोहा का नाश्ता रेडी हो गया है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।